सभी के दिल चीरती कहानी आपको याद होगी। हिंदुओं के धर्मांतरण का जो गंदा खेल केरल में शुरू हुआ था, वो बाकी राज्यों में भी अब पैर पसारने लगा है। हिंदू लड़कियां दिन दहाड़े गायब हो रही है, वो भी एक दो या तीन नहीं, बल्कि इस बार 26 लड़कियां, 26 बच्चियां एक साथ लापता है। अब तक ये सारी बच्चियां भोपाल के एक चिल्ड्रन होम में रहती थी, लेकिन रातों रात कहां गायब हुई कोई नहीं जानता। दरअसल भोपाल में एक बालिका गृह अवैध तरीके से चलाया जा रहा था, जिनमें से 26 लड़कियां गायब भी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने इस पूरे मामले में मुख्य सचिव वीरा राणा को एक पत्र लिखा और उसमें सारी जानकारी भी दी। प्रियंक ने बताया कि भोपाल के आंचल बाल गृह का निरीक्षण किया था, यहाँ पता चला कि संस्था ना तो पंजीकृत है ना ही मान्यता प्राप्त है। यहाँ की संलग्न सूची में 68 यानी कि 68 बच्चियों के नाम दर्ज है, लेकिन मौके पर केवल 41 यानी कि 41 बच्चियां ही मिली है। सभी बच्चियों को बाल कल्याण समिति के आदेश के बिना यहां रखा गया था। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, इन सभी बच्चियों को बाल कल्याण समिति के आदेश के बिना रखा गया था, यानी कि गैर कानूनी ढंग से। इस बाल गृह में उन बच्चियों को रखा जाता है जिन्हें सड़कों से या किसी दुर्गम जगहों से सरकारी संस्थाओं या पुलिस द्वारा रेस्क्यू करके लाया जाता है, लेकिन हॉस्टल में रखने से पहले उनको बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। लेकिन क्योंकि यह संस्था अवैध थी, इसलिए संस्था ने ऐसा नहीं करते हुए सीधे इन बच्चियों को अपने हॉस्टल में रख लिया। अब यहां से 26 बच्चियां गायब है। आपको बता दें कि इस एनजीओ के हॉस्टल में सीहोर, रायसेन, छिंदवाड़ा, बालाघाट सहित गुजरात और झारखंड राजस्थान के जिलों की भी बच्चियां रखी जा रही थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एक ट्वीट किया और उनके इस ट्वीट को पढ़कर आप समझ जाएंगे कि मैंने इसे केरल स्टोरी से की तर्ज पर मध्य प्रदेश स्टोरी क्यों कहा। क्योंकि प्रियंक कानूनगो ने अपने ट्वीट में कहा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राज्य बाल आयोग अध्यक्ष और सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से एक मिशनरी द्वारा संचालित अवैध बाल गृह का निरीक्षण किया। जो बच्चे सड़कों से रेस्क्यू किए गए, उनकी जानकारी सरकार को दिए बगैर बिना लाइसेंस लिए गुपचुप ढंग से बालिका गृह को चलाया जा रहा था और यहां उनसे ईसाई धार्मिक प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। इस बालिका गृह में 6 साल से 18 साल तक की 40 से ज्यादा लड़कियों में अधिकांश हिंदू है। आपने सुना होगा कि प्रियंक कानूनगो ने इस ट्वीट में क्या लिखा था। इस बाल गृह का निरीक्षण करने पर कानूनगो ने पाया कि जो बच्चों को सड़कों से रेस्क्यू किया गया था, उनकी जानकारी सरकार को नहीं दी गई थी। बिना लाइसेंस गुपचुप ढंग से इन बच्चियों को चिल्ड्रन होम में ले जाया गया और यहाँ उनसे धार्मिक ईसाई धार्मिक प्रैक्टिस करवाई जा रही थी और यहाँ मौजूद लड़कियां हिंदू लड़कियां थी। सवाल यह है कि चिल्ड्रन होम के संचालक अनिल मैथ्यू, जो कि ईसाई हैं, उन्हें गायब बच्चियों के बारे में कुछ पता नहीं। कैसे, मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? दरअसल जब अनिल मैथ्यू से पूछा गया कि बच्चियां कहां हैं, तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की। FIR के मुताबिक बालिकाओं के लिए संचालित इस चिल्ड्रन होम में कई अनियमितताएं मिली है। लेकिन फिर से मेरा सवाल यही है, आखिर गायब हिंदू बच्चियां हैं कहां और इन सभी बच्चियों को ईसाई धार्मिक प्रैक्टिस क्यों कराई जा रही थी? शहर से थोड़ी सी दूरी पर स्थित इस चिल्ड्रन होम को किसका संरक्षण था जो बेधड़क होकर बिना जानकारी बिना लाइसेंस गुपचुप ढंग से बालिका गृह संचालित होता रहा? आंचल बाल गृह जो परवलिया थाना क्षेत्र में है, वहां से 26 बच्चियों की जो लापता होने की बात चल रही है सोशल मीडिया में या अन्य मीडिया पे, उसमें अभी तक जो पुलिस ने अनुसंधान किया है, जो पूछताछ की है, उसमें ये पाया गया है कि जो बच्चियां हैं, कई बच्चियां ऐसी होती हैं जो आकर वहां पे पंजीयन कराती हैं, परंतु किन्हीं कारणों से, कई बार मन न लगने के कारण, कई बार अन्य कारणों से वो फिर अपने परिवार को वापस चली जाती है। तो अभी तक की पूछताछ में इन 26 बच्चियों के संबंध में यही ज्ञात हुआ है
कि ये अपने माता पिता के साथ मन न लगने के कारण वापस चली गई है, जिसके संबंध में अभी और सत्यापन की कार्रवाई आगे कराई। अब इस पूरे मामले में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की एंट्री हो गई है। उनके अंदाज को सभी जानते हैं, ऐसे मामलों में शिवराज कड़क एक्शन लिया करते थे। शिवराज ने मोहन सरकार से भी यही अपील की है। शिवराज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में बिना अनुमति के संचालित बाल गृह से 26 बालिकाओं के गायब होने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार से संज्ञान लेने और त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह करता हूँ। मध्य प्रदेश में चल रहे इस अवैध चिल्ड्रन होम से बच्चियां न जाने कहां गई होंगी। ये जो गायब बच्चियां हैं वो जाने कहां होंगी, इनके साथ जाने क्या हुआ होगा। और इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन मामले की अब जांच शुरू करेगी। तब तक के लिए एक सवाल है जो मेरे जहन में है, हो सकता है ये खबर सुनने के बाद आपके जहन में भी आया होगा, क्या केरल स्टोरी जैसी मध्य प्रदेश स्टोरी बन रही थी। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। VK News, राष्ट्र के नाम।